उत्तराखंड जब अलग राज्य बना था तो देहरादून को अस्थाई राजधानी बनाया गया था। परमानेंट राजधानी के लिए गैरसैंण का नाम तय भी हो गया था, मगर 19 साल बाद भी गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई। इस दौरान राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारें रहीं, मगर राजधानी का मुद्दा वहीं का वहीं है। आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड को अपनी परमानेंट राजधानी नहीं मिल पा रही? इलेक्शन ऑन द गो में देखिए हमारे सहयोगी इसरार अहमद शेख की देहरादून से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के बड़े मुद्दों में एक मुद्दा राजधानी का है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। देहरादून को राजधानी बनाने का पूरे राज्य में विरोध हुआ। तब फिर गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर गैरसैंण का नाम राजधानी के तौर पर प्रस्तावित हुआ, मगर 19 साल बाद भी उत्तराखंड राज्य के पास अपनी स्थायी राजधानी नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ की स्थायी राजधानी का था, जो लगभग सर्वसम्मत पहाड़ पे गैरसैंण नामक एक जगह है कि जो दोनों मंडलों के गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में बनती है, बीच में स्थित है, और वहाँ हर तरह से वो जगह मुफीद थी, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से। उस पर दोनों पार्टियाँ जो हुकूमत में आ रही हैं कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, बल्कि टाल मटोल उस पर करती रही। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाते हैं बात उस तरह सुनी नहीं जाती। हमको एक पहाड़ की मानसिकता वाला राज्य चाहिए जो पहाड़ के संदर्भ में सोच सके, तो लोगों का पहाड़ में राजधानी बनाइए। जन आंदोलन हुए तो जन आंदोलनों ने गैरसैंण को चिन्हित किया कि ये गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु है, गैरसैंण को राजधानी बना दीजिए। उत्तराखंड के 13 में से 10 जिलों के लिए देहरादून जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि लखनऊ जाना। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बारी बारी से रही हैं, मगर स्थायी राजधानी का मुद्दा उन्हें तभी याद आता है जब वो विपक्ष में होते हैं। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना था, मगर अब हालत ये है कि उसे सिर्फ गर्मियों के लिए ही राजधानी बनाने की तैयारी चल रही है। दोनों दलों की मंशा में कितना खोट है इस बात से पता चलता है कि आपने वहाँ विधायक निवास बनाया है। वो विधायक निवास आपने दो दो छोटे छोटे कमरे बनाए हैं दड़बे जैसे। आपने जानबूझ के दो कमरे ट्रांजिट होस्टल की तरह बनाए हैं कि दो चार दिन यहाँ रह के पिकनिक बना के वापस चले जाएंगे। तो दोनों की मंशा वहाँ राजधानी बनाने की नहीं है। आप नेशनल सेंटिमेंट पे वोट डालते हो तो लोकल इश्यूज को आपने खुद ही उनको अंडरमाइन कर दिया है। आप क्यों नहीं कहते कि साहब नैनीताल में हम बहस करेंगे जमरानी बांध पे, टीरी में हम बहस करेंगे डोबरा चाटी पुल पे, पौड़ी में हम बहस करेंगे पलायन सबसे ज्यादा इस राज्य में इस जिले में क्यों हुआ है? आप क्यों नहीं बहस करते कि हरिद्वार की जीडीपी जो हरिद्वार का जो प्रति व्यक्ति आया वो 252,000 है, पौड़ी का क्यों 90,000 है? आप इसको मुद्दा नहीं बनाते। जब राष्ट्रीय नेता दिल्ली से नजदीक है तो आते हैं, नेशनल एजेंडा सेट करते हैं, चुनाव में हम वोट उसी पर डालते हैं। तो लोकल इश्यूज को पॉलिटिकल क्लास ने बड़ी चतुराई से, क्योंकि देहरादून की उत्तराखंड की पॉलिटिक्स दिल्ली से चलती है, मुद्दे भी दिल्ली से तय होने लग गए, प्रत्याशी दिल्ली से तय होने लग गए, तो जब सब कुछ दिल्ली से तय होगा तो नेचुरल है उत्तराखंड के मुद्दे कौन हो जाएंगे। पहाड़ के लोगों का कहना है कि पहाड़ों की दुर्दशा सुधारने का रास्ता गैरसैंण से होकर गुजरता है, मगर राज्य के मंत्री, विधायक और बड़े नेता पहाड़ चढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों की भावनाओं के चलते वो गैरसैंण की जगह देहरादून को भी स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन 19 साल से उत्तराखंड की यह राजधानी देहरादून भी अस्थाई है और मेरे पीछे का ये विधानसभा भवन भी अस्थाई है। परमानेंट राजधानी के लिए गैरसैंण का नाम प्रस्तावित है, लेकिन गैरसैंण का मुद्दा राजनीतिक दलों को तभी याद आता है जब वो विपक्ष में होते हैं। गो न्यूज़ के लिए देहरादून से इसरार अहमद शेख।